हेलो फ्रेंड्स, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर संतोष नपते वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड जो भी वीडियोस है, लेक्चर्स के रिलेटेड, चाहे वो कुछ अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू जॉब ओपनिंग्स और जॉब अपडेट्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस फील्ड, उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपेयर कर रहे थे, उन ऐसे लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं। तो इसी तरह से इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू अपलोड डिफरेंट वीडियोस विच आर रिलेटेड टू द जॉब ओपनिंग्स। दैट वीडियोस आर रिलेटेड विल बी रिलेटेड टू द डिफरेंट फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स ऑफ यूजीसी और गवर्नमेंट और डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज। सो एंड एट द सेम टाइम दैट वीडियोज विल बी एज पर यूर माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते यूट्यूब चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग दी न्यूली अपलोडेड वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जो स्कीम्स है, इन स्कीम्स के बारे में आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। और यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है स्कीम्स, अलग अलग स्कीम्स, एक तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो इसी फेलोशिप के नाम से हमें पता चलता है कि ये जो फेलोशिप है जिसका नाम है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप। और ये फेलोशिप ऐसे पेरेंट्स के, मतलब अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड उनको है तो उन गर्ल के एजुकेशन के लिए ये फेलोशिप यहाँ पे दी जाती है। और इसकी जो स्टार्ट डेट है, अगर अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी ये डेट मतलब शुरू हुआ है एप्लीकेशन के लिए, 5th सितंबर 2022, और जो लास्ट डेट है वो है 10th अक्टूबर 2022। ओके, उसके बाद जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो ये एज द नेम सजेस्ट हियर, ये जो फेलोशिप दी जाती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से, तो ये ऐसे कैंडिडेट्स को दी जाती है, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पोस्ट डॉक्टर डिग्रीज। ओके, और पीडीएफ। ओके, उसके बाद जो है डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स। सो दिस फेलोशिप विल बी और ग्रांट रिसर्च ग्रांट विल बी फॉर दोज फैकल्टी मेंबर्स हु आर न्यूली अपॉइंटेड और न्यूली रिक्रूटेड। और ये जो सेकंड फेलोशिप जो मैंने यहाँ पे बताया दी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, ये जो डेट हुई है एप्लीकेशन के लिए 5th सितंबर 2022, एंड द लास्ट डेट इज ऑल्सो सेम हियर, दैट इज 10th अक्टूबर 2022। एंड द स्टार्ट डेट फॉर द डॉक्टर डीएस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स, ये जो ऑलरेडी 5 सितंबर 2022 से शुरू हुई है और जो लास्ट डेट है ये 10th अक्टूबर 2022 है। उसके बाद जो फेलोशिप है रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स, एज द नेम सजेस्ट हियर दोज फैकल्टी मेंबर्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, तो इनके लिए भी एक रिसर्च ग्रांट दिया जाता है। और इसका भी ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई है 5th सितंबर 2022, और जो लास्ट डेट है वो है 10th अक्टूबर 2022। उसके बाद जो है फेलोशिप फॉर सुपर एनेटेड फैकल्टी मेंबर्स, सो यहाँ पे भी जो एप्लीकेशन की डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 5th सितंबर 2022 से, जो लास्ट डेट है 10th अक्टूबर 2022। और यहाँ पे कुछ एज अ ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी जो लगती है, जो फर्स्ट फेलोशिप यहाँ पे है सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, और इनके लिए जो फेलोशिप मतलब जो एलिजिबिलिटी है तो ये इस तरह की होती है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स परस्यूइंग पीएचडी इन एनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स, सो शी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम। देन द स्कीम इज एप्लीकेबल टू सच अ सिंगल चाइल्ड हु हैज रजिस्टर्ड हर सेल्फ इन रेगुलर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। अगर अगर ये फेलोशिप ऐसे सिंगल गर्ल चाइल्ड को दी जाती है, एक तो कोई भी सब्जेक्ट में स्ट्रीम में उन्होंने मतलब उस कैंडिडेट्स ने, गर्ल कैंडिडेट्स ने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब शी विल बी परस्यूइंग दैट पीएचडी दैट मे बी एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और उसके बाद सेकंड जो कंडीशन यहाँ पे है, तो
उस कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन है, ये एक तो रेगुलर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, एडमिशन टू दिस पीएचडी कोर्स इन पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड इज नॉट कवर अंडर द स्कीम। अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पीएचडी कोर्स के लिए पार्ट टाइम है, डिस्टेंस मोड में है, तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन अ स्कॉलर इज नॉट एलिजिबल फॉर फेलोशिप इफ द रिसर्च इज इंटेंडेड और परस्यूड थ्रू द ओपन और पार्ट टाइम डिस्टेंस एजुकेशन मोड और पार्ट टाइम मोड। मतलब पार्ट टाइम मोड यहाँ पे नहीं चलता। अगर आपको फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन है ये फुल टाइम ही होना चाहिए। देन गर्ल्स स्टूडेंट्स अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45 ईयर्स फॉर द रिजर्व कैटेगरीज दैट इज एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी दैट इज पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। सो एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर एलिजिबल। अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ये 40 ईयर्स तक है, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स है एसटी एससी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, तो इनके लिए जो एज लिमिट है ये 45 ईयर्स है। एंड बोथ द स्कॉलर्स रिसीविंग द फेलोशिप एंड द इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर द स्कॉलर इज परस्यूइंग हर पीएचडी आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दीज स्कीम्स। सो व्हाट आर दैट कंडीशंस एंड टर्म्स विल बी देयर, सो दैट कंडीशंस एंड टर्म्स दे हैव टू फॉलो फॉलो टू द स्टूडेंट्स दैट गर्ल स्टूडेंट्स और कैंडिडेट एज वेल एज टू द इंस्टीट्यूशन। तो ये है कुछ एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग दैट सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस यहाँ पे दिए हैं, सो यू कैन रीड ऑल दिस गाइडलाइंस हियर। आप सभी गाइडलाइंस यहाँ पे पढ़ सकते हो जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। एंड उसके बाद सो फॉर केयर एप्लीकेशन सो डिटेल्स विल बी गिवन इन दिस गाइडलाइंस हियर। तो यहाँ पे ये गाइडलाइंस आप वहां पे पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है तो आपको पहले यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है। मतलब अगर इफ यू आर न्यू फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस दैट मींस यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर एंड देन यू कैन यू हैव टू लॉग इन फॉर फिलिंग ऑफ दैट एप्लीकेशन। तो ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिए है, गाइडलाइंस फॉर सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड और इन शॉर्ट इट इज नोन एज एस जे एस जी सी। ओके, ये बहुत सारे गाइडलाइंस यहाँ पे दिए है, सो यू कैन रीड दिस पीडीएफ हियर फॉर ऑल दिस स्टाइपेंड और जेआरएफ व्हाट एवर दैट पेमेंट विल बी देयर और फेलोशिप विल बी देयर, सो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फेलोशिप हियर। ओके, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे, और इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप हियर, सो इफ यू आर अ न्यू यूजर तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है एंड आफ्टर फिलिंग डिटेल्स यू हैव टू सबमिट दैट फॉर्म हियर। सी दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म हियर स्कीम अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे दैट सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, देन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, देन वेदर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 वो आपको सिलेक्ट करना है, आधार नंबर आपको यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी, देन आपका फुल एड्रेस, देन सिटी, स्टेट, पिन कोड, देन आपका फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है एंड देन यू हैव टू अपलोड दिस सिग्नेचर आल्सो हियर, सो इन दिस वे देन यू हैव टू सबमिट द फॉर्म। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट हियर। ओके, तो ये गाइडलाइंस है। देन उसके बाद जो सेकंड फेलोशिप जो है दैट इज रिगार्डिंग द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगी आपको कि इफ वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और नॉट। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। सो यू बिलीव ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन हियर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी। देन उसके बाद अगेन इफ यू वॉन्ट टू सी द दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस नेक्स्ट क्राइटेरिया इज हियर दैट इज गाइडलाइंस आर गिवन हियर, डिटेल्स गाइडलाइंस विल बी यू विल गेट डिटेल गाइडलाइंस हियर, देन वट विल बी द फेलोशिप पर मंथली और लाइक दैट ऑल डिटेल्स विल बी गिवन हियर एंड अगेन सेम थिंग विल बी हियर, यू हैव टू रजिस्टर हियर इफ यू आर न्यू यूजर, देन क्लिक हियर
ऑलरेडी इफ यू आर रजिस्टर्ड फॉर दिस देन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग इन हियर. उसके बाद अनदर वन इज हियर डॉक्टर डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स. सो दैट दिस इज द नेम ऑफ दैट फेलोशिप हियर और रिसर्च ग्रांट डॉक्टर डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स एंड दिस इज द एलिजिबिलिटी डिटेल्स. ओके सो दैट फैकल्टी मेंबर्स रेगुलरली अपॉइंटेड एंड वर्किंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्कीम्स. सो दैट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग दैट इन कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज एफिलिएटेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूएंट्स सो दे मस्ट इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन ऑफ दैट 2F ऑफ UGC एक्ट 1956 एंड एट द सेम टाइम दे आर हैविंग वैलिड एक्रेडिटेशन फ्रॉम NAC. वैलिड एक्रेडिटेशन होना चाहिए. तो अगर इस कंडीशन में आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बैठती है तो यू कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप हियर. देन डीम टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 एंड हैविंग वैलिड एक्रेडिटेशन फ्रॉम द NAC. तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे मतलब अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी मेंबर हो एंड आपकी यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 के अंडर है एंड इफ यू आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैविंग द वैलिड एक्रेडिटेशन फ्रॉम NAC देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस रिसर्च ग्रांट हियर. देन इंस्टीट्यूशन फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एम्पावर्ड टू अवार्ड डिग्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. ये कंडीशंस हो गई. उसके बाद ऑल टीचर्स हु आर न्यूली अपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी शैल बी एलिजिबल टू रिसीव द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम. मतलब एक तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है ये न्यूली अपॉइंटमेंट होनी चाहिए मतलब एज ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूर अपॉइंटमेंट शुड बी ऑन द परमानेंट पोस्ट. देन that assistant professor should possesses PhD degree with minimum 5 research papers to his or her credit published in journals of international repute. मतलब आपकी PhD भी वहाँ पे होनी चाहिए with at least minimum 5 research papers. Then the assistant professor should apply for the grant within a period of 2 years from the date of joining the post in the department or in the university. ठीक है. तो इसी तरह से 2 साल से पहले मतलब अगर आप मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो इस तरह से ये एलिजिबिलिटीज है. देन उसके बाद जो है दिस वन डॉक्टर डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है. यहाँ पे सब गाइडलाइंस है. अगर आप न्यू यूजर है तो यू कैन अप्लाई हियर. ओके तो इस तरह से ये इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन सो जस्ट गो ऑन द UGC वेबसाइट. You will get all the information regarding these different fellowships or different research grant that may be related to the Savitribai Jyotiraw Phule fellowship for single girl child, then Dr. S. Radhakrishnan postdoctoral fellowship, Dr. D.S. Kothari research grant for newly faculty members, then research grant for in-service faculty members and fellowship for superannuated faculty members. So friends, if you are not subscribed to this YouTube channel, don't forget to subscribe this and keep tuned. Thank you.